जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप या तो अपना नुकसान करते हैं या दूसरों का नुकसान करते हैं, और दूसरों का नुकसान कम होता है, गुस्से में अक्सर अपना ही नुकसान ज्यादा होता है। आप गुस्से में कुछ बोल देंगे किसी को, तो बोल के तो गुस्सा चार मिनट बाद ठंडा हो जाएगा दो मिनट में, लेकिन रिश्ते बिगड़ जाएंगे सदा के लिए। इसलिए दो मिनट का गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे आप कहो तो मैं आज उपाय बता दूं आपको। देखो गुस्सा जो है कैसे कंट्रोल हो सकता है, मैं एक उपाय बताता हूं। जब आपको बहुत गुस्सा आए उस समय क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, यदि वो कर लोगे तो आपको गुस्सा आएगा लेकिन गुस्सा आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, यदि आपने मेरी बताई बात मानी तो। तो उपाय बता दूं, गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा फिर आपका। ये उंगली उठाओ, एक मैया ऐसे ना उठाओ, मेरी माँ ऐसे करो, इसे यहां रखो। जब बहुत गुस्सा आए तो ये उंगली उठाना है और यहां रख लेना हो, चुप रहना, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी गुस्सा आपको है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, ठंडा हो जाने दो। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो तुरंत उत्तर ना दीजिए। रावण ने सीता माँ को चुराया तो राम जी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। समझदार व्यक्ति तुरंत नहीं बोलता, समझदार व्यक्ति वो है जो समझ करके बोले। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भेद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो भूत खपड़िया जाए। इसलिए ज्ञानी ज्ञान से मारता है। आप अभी हमें गाली दो, हम आपको कुछ ना कहेंगे, लेकिन समझदारी वह है कि आप समय आने पर उत्तर दें और सटीक उत्तर दें, ऐसा उत्तर दें कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए, कोई उत्तर ना हो। इंतजार कीजिए वक्त का, चुप रहिए। एक राजा था, उस राजा के दरबार में सर्दियों का मौसम था, खुले मैदान में दरबार लगा था, मंत्री संतरी प्रजा लोग बैठे थे। एक कोई आदमी आया, राजा से बोला, महाराज मेरे पास दो हीरे हैं, इन दो में एक असली है एक नकली है, यदि आपने असली हीरा पहचान लिया तो मैं आपको वो हीरा दे दूंगा, और यदि नहीं पहचाने तो हीरा जितने का है उतनी कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी, यदि शर्त मंजूर है तो। ये खेल खेल लेते हैं। राजा बोला कि मेरे पास 10 जौहरी हैं, और जौहरियों के लिए हीरा पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। हीरे टेबल पर सजाए गए, रखे गए, दो हीरे थे, एक से वजन, एक सी कटिंग, एक सी चमक, एक सा उनका आकार आकृति, सब एक सा। अब बड़े बड़े जौहरी आए लेकिन वो हीरे को पहचानने में असमर्थ हो गए। एक जौहरी आया, उठाया, बड़ी देर तक देखा, पर वो ये ना कह पाया कि कौन असली है कौन नकली, इतना बढ़िया था, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था असली और नकली में। राजा के 10 जौहरी हार गए, और राजा ने शर्त लगाई इसलिए थी कि मेरे पास 10-10 जौहरी हैं और जौहरी के लिए हीरा पहचानना कोई कठिन नहीं है, पर वो 10 जौहरी फेल हो गए। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, बाद में कर लेना पंचायत। 10 के 10 जौहरी फेल हो गए, राजा शर्त हार गए। राजा ने मंत्री को कहा कि ठीक है, शर्त हार गए हैं, जितनी कीमत है हीरे की वो इस आदमी को दे दिया जाए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया, महाराज एक मौका मुझे दो, मैं बताऊंगा कि असली कौन और नकली कौन। राजा बोले, क्यों अपना मजाक उड़वाते हो, बड़ी बड़ी आंखों वाले तो पहचान ना पाए, तुम तो अंधे हो, अंधा आदमी कैसे पहचानेगा कि असली हीरा और नकली हीरा। अब अंधा बोला, महाराज सूरदास जी ने कहा, एक मौका तो दो,
क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ नहीं बिगड़ना, सर तो हार ही गए हो, एक मौका दे दोगे शायद जीत जाओ। राजा को लगा चलो कह रहा है दे देते हैं मौका। अंधा आया, उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ते हुए बोला, महाराज ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। अब जिसका हीरा था वो समझ गया कि ये अंधा ठीक कह रहा। अब सारी सभा सारे लोग आश्चर्य में डूब गए, महाराज ये अंधा? राजा ने जौहरी से पूछा, क्यों ये सही कह रहा? हां महाराज ये एकदम सही कह रहा, ये असली और ये नकली है। अब राजा बाजी जीत गए, पर सारी समाज को अब ये जानना था कि इस अंधे ने कैसे पहचाना, अब हीरा कौन है, असली कौन है, नकली कौन, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं। अब तो ये जानना चाहते हैं लोग किसने पहचाना कैसे। लोगों ने पूछा, उस जौहरी ने पूछा जिसका हीरा था, उसने कहा भाई तुम तो अंधे हो, जो बड़े बड़े जौहरी ना कर पाए वो तुमने पल भर में कर लिया, कैसे किया? उस अंधे ने कहा बहुत आसान है हीरे को पहचानना। कैसा? बोले ये हीरे बड़ी देर से धूप में रखे हैं, बहुत देर से ये हीरा धूप में रखे हैं और धूप के कारण जो गर्म हो गया, जो गर्म हो गया वो नकली है, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली है। उसने तो पहचान लिया अंधा होकर भी। जो हीरा होता है ना वो ठंडा रहता है, धूप में भी रख दो आप तो वो ठंडा ही रहेगा। धूप में पत्थर गर्म होता है, ये नकली गर्म हो गया, हीरा नहीं गर्म होता। बस अब यहां आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग बात बात पर गर्म हो जाते हैं, बात बात पर आपको गुस्सा आता है, बात बात पर आप गर्म हो जाते हैं। पर याद रखना, जो जरा जरा सी देर में हर छोटी सी विषम परिस्थिति में जो गर्म हो जाए वो पत्थर हो सकता है साहब, जो हर स्थिति में शांत रहे ठंडा रहे वो असली हीरा होता है। इंसान भी एक पत्थर जैसा होता है, एक हीरे जैसा होता है। आप क्या बनना पसंद करेंगे? हीरा? तो हीरा ठंडा होता है, और आप लोगों ने अभी हाथ उठा के बताया कि हम गर्म हैं, गुस्सा बहुत आता। जिसको गुस्सा बात बात पर आए, नाक में रखा, मतलब ये सब पत्थर हैं, नकली। नकली गर्म होता है, असली गर्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी फिर भी गर्म नहीं भए, फिर भी जोर से असली हीरा है ना कि नहीं यार? भगवान शंकर को भरी सभा में ससुर ने गालियां दी, गर्म नहीं हुए, क्यों? असली है, असली हीरा, असली लोग वो होते हैं जो बात बात पे गुस्सा करे वो नकली। गुस्सा क्यों करे? थोड़ा तो बर्दाश्त करो, थोड़ी सहनशीलता बढ़ाओ, जरूरत है सहनशीलता की, बढ़ाओ। सहन करने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए आज से कितने लोग असली हीरा बनेंगे और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे। कौन करेगा? आप खुद करेंगे। किससे करेंगे? अपने विवेक से करेंगे। आप ऐसे ड्राइवर हैं जिस ड्राइवर के पास एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों हैं। चाहे तो आप गुस्सा करो, चाहे तो आप कंट्रोल करो, मर्जी आपकी। और जिस जीवन में संयम ना हो वो जीवन जीवन नहीं है। कुत्ता बिल्ली के जीवन में संयम नहीं होता, और इंसान होकर आप यदि संयमी नहीं हुए तो फिर इंसान कैसे हैं आप? जानवरों जैसी हरकत है फिर तो। संयमी बनो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई आपकी वाणी से प्रसन्न हो गया तो बताओ आपका नुकसान क्या है? ये जो आपका मुंह है ना, आपकी जिह्वा कितने इंच की है जरा बताओ मेरी मां?
आपकी जिह्वा कितने इंच की है? है ना, लगभग 3 इंच की ये जिह्वा। ये जब आग लगाती है ना तो बुझाई नहीं बुझती, इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में, जोर से, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। आपका रुतवा ना बताएगा कि आप कैसे हैं, आपकी वाणी बताएगी कि आप कैसे हैं। व्यक्ति का परिचय उसके कपड़ों से नहीं होता, व्यक्ति का परिचय बड़ी गाड़ी, बड़े मकान, बड़े पैसे से नहीं होता, व्यक्ति का परिचय उसकी वाणी कराती है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों में बड़ी जान। कौआ का काव काव कोई नहीं सुनता, पर कोयल की कूह कूह सब सुनना चाहते हैं। शब्द ही तो हैं, दोनों का रंग काला है, कौआ भी काला, कोयल भी काली। कोयल कूकती है, सारा जमाना सुनता है, कौआ काव काव करे तो लोग उड़ा देते हैं घर से, कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए आप वाणी आपकी ठीक होनी चाहिए, सबके लिए नेक भाव हो। छोटा है, अच्छे से बोलो बेटा, है ना। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। अच्छी वाणी है ना, कुछ लोग बड़ा कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं। सत्य बोलना चाहिए पर कठोर सत्य नहीं, मीठा सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। सत्य दो प्रकार का होता है, एक कड़वा एक मीठा। जैसे अंधे को आपने अंधा कहा तो वो सत्य तो है पर कड़वा सत्य है। अंधे को कहेंगे ए अंधे यहाँ आओ, ये सत्य तो है क्योंकि अंधे को आपने अंधा कहा, पर ये कड़वा है। मीठा क्या है? सूरदास जी जरा यहाँ आइए, वही बात है पर अच्छी हो गई, सूरदास जी यहाँ आइए। इसलिए वाणी में संयम होना चाहिए, वाणी बिगड़ जाएगी ना तो महाभारत हो जाएगा। वाणी बिगड़ जाएगी तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ, रिश्ते बनते और बिगड़ते कहां से हैं? जोर से, वाणी से। मतलब आपके जीवन में आपकी वाणी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, हाँ या ना? आपके जीवन में आपकी वाणी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अरे इन हमारे यहां कहावत कहते हैं कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। क्या मतलब हुआ इसका? यदि आपकी बातें अच्छी हैं तो बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ गई तो हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिए जाओगे यदि वाणी बिगड़ गई तो। इसलिए बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। इसलिए वाणी संभाल के। झगड़े किस लिए होते हैं? वाणी के बिगड़ने पर।